नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर, शादी की जिद पे अड़ी तो प्रेमी के परिवार वालों ने युवती को मारपीट कर किया घायल। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव में प्रेमिका ने किया प्रेमी के घर पर जाकर हंगामा। शादी की जिद पर अड़ी, शादी के नाम पर युवती के साथ एक साल तक किया गया शोषण। युवती ने शोषण करने का युवक पर लगाया आरोप। प्रेमी के घर प्रेमिका ने जमकर की शादी करने को लेकर तोड़फोड़। प्रेमिका का रुद्र रूप देख प्रेमी हुआ अपने घर से फरार। प्रेमिका जिद पर शादी की अड़ी रही और डायल 112 पुलिस और मुंडा पांडे पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत किया और पीड़ित युवती की तहरीर लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि युवक द्वारा शादी का झांसा देकर एक साल से दुष्कर्म करता चला आ रहा है और घर से लेकर फरार हो गया, जिसमें पुलिस ने मुझे 15 दिन बाद दिल्ली से बरामद किया और उसके बाद अपनी मनमर्जी से प्रेमी के परिजनों से हमसाज होकर पुलिस ने कोर्ट में 64 के बयान कराकर प्रेमी के परिवार को रिहा कर दिया और मुकदमे पर एफआईआर लगा दी और अब तक मेरे साथ शादी नहीं की, जिसके चलते युवती प्रेमी के घर पहुंची और शादी की जिद पर अड़ी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसमें युवती के साथ प्रेमी के परिजन मारपीट करते भी नजर आ रहे हैं। कौन से गांव की हो? क्या हुआ है आपकी लड़की के साथ? लड़की के साथ गलत काम हुआ। किसने किया? सानिक नाम है, सानिक लड़का है। इसके पिता का नाम क्या? इरफान। कहाँ के रहने वाले हैं? भवी नटखेड़े के रहने वाले हैं। आपकी लड़की को भगा के भी ले गए तो ये वही हैं? हाँ, वही हैं जो लेके गए थे भगा के। कितने दिन में लड़की बरामद करी थी पुलिस ने? लड़की कम से कम 10-15 दिन में आई है। क्या लड़की के साथ पहले से शादी का झांसा देकर गलत काम करता था ये? जी, अभी गई कह रहे थे कि निकाह करा देंगे, निकाह आसान हाफी जी भी गई कह रहे हैं निकाह करा देंगे और उससे बयान दिलवा दी कैसे ऐसे लड़के को बचा दे, हम निकाह करा देंगे, निकाह ना कराया। क्या चाहती हो तुम? हम ये चाहते हैं कि उसके साथ निकाह हो, ना तो हम सब बालक बच्चों को जहर खिला कर मार देंगे, ये उसके घर वाले के जिम्मेदार होंगे, हमारे सब बालक बच्चे मर जाएंगे। तो एहसान हफीजी का क्या रोल है इसमें? इनका रोल यह है कि जब से गए कहते रहे कि पैसे दिलवा देंगे, निकाह अंधिया कर दियो, ये निकाह करा देंगे और अब भी टाले फिर रहे हैं कि कल को बात हो जाएगा, परसों को हो जाएगा, अब ले कोई बात ही ना। अब पैसे 5 लाख रुपए ले लिए इन्होंने लड़के वालों से। किसने? एहसान हफीजी ने ली है ये और किसी ने ली हो, बाकी 5 लाख रुपए लड़के वालों से आ गया है। अभी तुम्हें कुछ नहीं मिला? ना, हमें कोई रुपया ना मिला है। सऊदी भेज रहे हैं लड़के को। कौन भेज रहा? पासपोर्ट बना के गई लड़के वाले भेज रहे हैं, इसमें एहसान हफीजी भी हमने। क्या मांग क्या करना चाहोगी पुलिस प्रशासन से? निकाह कराना चाह रहे हैं लड़की का। अगर निकाह नहीं होता तो? निकाह ना होता मुकदमा चलेगा। कौन से गाँव की आप? नरखेड़े। अच्छा, किस लड़के से बात करती थी? कितने साल बात की? एक साल। एक साल के अंदर कुछ गलत काम वगैरह? बहुत कुछ हो गया था सब कुछ। घर पे या बाहर? बाहर। कौन सी जगह ले जाकर के? दिल्ली में। दिल्ली से फिर कलेना गए थे। अच्छा, वो सारे गाँव इन सारी जगहों पे गलत काम हुआ है? हाँ। कितनी बार किया है? कई फेरी हो गया था। अच्छा, क्या हुआ है गलत? अच्छा, अब शादी की जो बात चल रही है वो क्या बात चल रही है? बात कि हमने केस भी करा था, सब बयान में सब कुछ हो गया, केस खत्म हो गया। पहले वो ऐसा ना पीछे गए थे निकाह करा देंगे, नहीं अब वो निकाह करा रहे हैं, नहीं कोई बात चल रही है, या तो वो निकाह करा मैं। निकाह नहीं होगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी पूरे परिवार के साथ। इसका जिम्मेदार कौन होगा? एहसान हफीजी और लड़के का परिवार। क्या एहसान हफीजी का क्या रोल है इसमें? उन्होंने पैसे ले लिए थे और लड़के घर वाले कह रहे हैं हमने पैसे दे दिए, एहसान हफीजी पे उन्होंने भी 1 रुपये नहीं दिया। तो अगर कोई अनहोनी होती है, अगर आप घटने की चेतावनी दे रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा एहसान हफीजी होंगे, उसके लड़के घर वाले होंगे। अच्छा, क्या मांग करना चाहोगी प्रशासन से? निकाह नहीं हुआ तो जहर खा के मर जाऊंगी। ठीक है।